बहुत दिन बाद आई हूँ आप लोगों के साथ एक खट्टी मीठी चटनी लेके। ये है चालता, जो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे जगह पे मिलते हैं, लेकिन बंगाल साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे उड़ीसा हो गया, इस तरीके का साइड में आसाम हो गया। इसको पहले धो लिया है हमने, धो के चार टुकड़ा कर लिया। इसके बीच में ना पूरा असली सा दाना सा होता है इसका, वो हमने पहले फेंक दिया है, सॉरी दिखा नहीं पाई। इसका जो छिलका होता है ना साइड वाला, वो इसमें यूज होता है। इसका सब्जी इसी का ही है। अब ये हमने छोटा छोटा पीस करके काट लिया। इसका जो एक एक हिस्सा है ना, इसको पहले छोटा छोटा पीस कर लेंगे। करके इसके बीच में देखो, बीच में ना ये स्लीप होता है, तो इसको हल्का सा छिलका उतारना होता है बस, अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखो ऐसे लेयर लेयर उठेगा, जो होता है ना इसको पतला वाला फेंक दो, और जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं उसको यूज़ करना होता है। अभी हम इसका छिलका भी छील लेते हैं। वो बीच का भी छिलना होता है, इसका छिलका भी छिलना होता है, सिर्फ मिडिल का यूज़ होता है, पतले पतले करके दोनों साइड का निकल जाता है बहुत अच्छे से। एक्चुअली इसको ना पकड़ने में दिक्कत हो रही है, बहुत स्लीप है ये। अब इसको दो हिस्से में से पतला करके काट लेते हैं। देखो दो चीज़ होता है, आप ऐसे पतला करके काट के बॉयल करके भी बना सकते हो, और मुझे बॉयल नहीं करना है, इसलिए मैंने सिलपट्टे के ऊपर रख के ना इसको अच्छे से कूट लिया है। फिर आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर अच्छे से मसाले, ये खट्टा होता है तो गुड़ डालूंगी वो भी बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसको साफ करके ना बहुत अच्छे से धो लिया है। धो के इसको अभी मैंने सिलपट्टे के ऊपर रख के अब ऐसे बिल्कुल कूट लिया है। तो इसको क्या, दो मिनट अगर गैस पर चलाऊंगी तो ये पक जाएगा। अभी हमने सारा ऐसे कूट लिया है देखो, ताकि अचार है इसमें अच्छे से सारा चीज़ आए। अभी मसाले के साथ मिर्ची डालो ना तो वो होता नहीं है कि मसाला जल्दी हो जाता है, इसलिए पहले हम दो मिनट के लिए मिर्ची को भून लेंगे। और ये चटनी में खट्टी मीठी कोई भी चटनी हो उसके अंदर डालने वाला मसाला होता है। पहले हम मिर्ची को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी देर मिर्ची को भून के अब हम सारा जितना भी साबुत मसाला है, सौंफ हो गए, जीरा हो गए, धनिया हो गए, कलौंजी हो गए, मेथी दाना, अब अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी चटनी की क्वांटिटी है आप उसी हिसाब से रखो। और इस टाइम पे गैस को बिल्कुल कम करके, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, गैस कम कर दो। कम करके इसको अच्छे से भूनो। देखो कोई भी चीज़ का ना टेस्ट बहुत अच्छा तब होता है उसकी मसाले से, अगर मसाले ज़्यादा भून जाए तो उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। कम भुने तभी भी, तो आपको ध्यान रखना होगा मसाले में, जो इसकी अच्छा फ्लेवर लाता है ना वो लाता है ये मसाले। तो इसको बहुत अच्छे से भुनना है। आप भूनते भूनते ना बहुत अच्छे से एक फ्लेवर आएगा, आपको खुद ही पता चलेगा, कलर चेंज होगा, फ्लेवर उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ ये मसाला भुन चुका है। जो खाना बनाते हैं उनको ये सब अंदाज़ा होता ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से भूनो, गैस को कम रख के, लेकिन बहुत अच्छा होती है। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा पास ला के, इसको डाल लेते अभी, तुरंत नहीं इसको कूटना है, पता है। देखो कलर कितना सुंदर है, इसको थोड़ा सा फैला दो हल्का सा, जैसे गर्म कम हो जाए ना तुरंत इसको किसी ग्लास में लेके, जो रोटी बेलने वाले थे उससे कूट लो, कैसे भी करके दर दर करके कूट लो, उससे क्या होता है फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने तेल डाला है, अब इसमें सरसों और लाल मिर्ची डाल के इसको छौंक लगाया, एक तेज़पत्ता भी डालूंगी, लेकिन आप सरसों डालो या तो पाँच फोरन डालो, जैसे कि कलौंजी होता है, मेथी होता है और सौंफ, तीनों को मिक्स करके थोड़ा सा डाल दो, वो भी अच्छा होता है। आप सरसों भी डाल दो, दोनों ऑप्शन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक तेज़पत्ता डाल दिया, सरसों अच्छे से भून जाने के बाद अब हम डाल देंगे जो हमने चालता कूट के रखा है। ये हमने सारा सिलपट्टे में अच्छे से कूट के रख दिया है। अभी इसको नमक हल्दी डाल के ना अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि एक दो मिनट पकाऊँगी ना इसको बहुत अच्छे से, ये अपना आप ही पक जाएगा, क्योंकि तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल इसके बीच में पकने का, इसलिए गैस को अच्छे से कम करके। ये चिपकने वाला है, जो चिपकता है ना उस तरीके का है, क्योंकि कूट लिया है और इसका जूस निकल गया तो और चिपकने वाला है ये, हो गया ये। अब इसको अच्छे से नमक हल्दी डाल के बहुत अच्छे से इसको पहले पकाना है। मैं कम से कम 7-8 मिनट इसको पकाऊँगी, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से पक जाए। नमक डालने से क्या होगा, इसकी
इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब होगा ना नमक, नमक और गुड़ डाल के मैं तो पानी डालने से पहले पकाऊंगी, पहले पूरा बॉयल हो जाए तब जाके गुड़ डालूंगी। इसको नमक डाला, अच्छे से इसको पका लूँ। और अगर साबुत रहता तो आपको इस जगह पे पहले बॉयल करके फिर इसको बनाना पड़ता, और कूट लिया है तो बॉयल करने की नीड है ही नहीं। अब इसमें थोड़ा सा और हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हल्दी चाहिए नहीं होता है, हल्का सा ना के बराबर थोड़ा सा तेल के ऊपर नहीं देंगे फिर वो हल्दी का बदबू आने लगती है, अजीब सा लगता है ना कि सब्जी के ऊपर से कोई चटनी के ऊपर से अगर हल्दी का हो तेल के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए फिर वो हल्दी का स्मेल नहीं देती है। लेकिन आप लोग भी कैसे कैसे बनाते हो बोलना, मैं भी दाल के अंदर डाल के भी बनाऊंगी। अभी कभी भी जाओ गोविंदपुरी तो फिर दोबारा लेके आऊँगी दाल के अंदर, क्योंकि हमारे आसपास नहीं मिलती है। देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया था, बिल्कुल बॉयल हो चुका था तभी जाके गुड़ डाला। गुड़ डाल के बहुत अच्छे से उसको चलाते रही, क्योंकि वो टाइम आप लोगों का भी किसी के पास आज के डेट में उतना टाइम नहीं। सिर्फ गुड़ डाल के हमने अच्छे से इसको पिघला लिया, बस और कुछ नहीं किया है। अब इसको पिघला के बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बॉयल ऑलरेडी हो चुका था, हमने गुड़ भी डाला नमक भी डाला तो ये सारे इसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है अच्छे से। ठीक है, जब ये सारा चीज़ एक बार मिला देते हैं, मिला के फिर हम इसमें पानी डाल के पकाएंगे। अब इसको ना दो तरीका होता है, जैसे कि आप सूखी भी बना सकते हो, बिल्कुल सूखी बना सकते हो, थोड़ा बहुत तड़ी रहे वो भी बना सकते हो। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कि हमें कितना पानी वाला चाहिए उतना आप पानी डालो। हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और एकदम सूखा सूखा भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सूखा भी बनता है, बिल्कुल सूखा सूखा करके बनाओ या तो थोड़ा सा पानी रखो। बहुत सारे लोग बहुत पानी डाल के भी बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जैसा पसंद आता है वो वैसे बनाते हैं। ज़्यादा पानी डाल के भी पानी वाला भी इसको बना सकते हो, वो भी टेस्ट रखता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना पानी वाला हो ना बिल्कुल सूखा हो, एक थोड़ा सा तड़ी हो और ये खट्टी मीठी चटनी बन जाए। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, और ये पानी इसलिए डाला ताकि सारे चीज़ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो हमारे चालते के अंदर। सिर्फ हमारा इसमें रहेगा कि हम बॉईल करते रहे। मैं तो इतने साल दिल में कभी नहीं देखा, मैं परसों गई हूँ तो मुझे दिखा तो उसमें चलो ले जाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब बचपन से खाते रहते हो ना और वो चीज़ नज़र आए कभी, आज मैं बहुत साल हो गए दिल्ली में हूँ लेकिन एकदम से नज़र आए। जो हमने मसाला कूट के रखा था ना वो हम दरदरा करके कूटे थे, मैं तो ग्लास में डाल के जो रोटी बेलने वाली होती है ना उससे अच्छे से कूट लिया था, और गर्म गर्म होते हैं ना तो अच्छे से कूट भी जाते हैं एकदम। और वो दरदरा मसाले जो है जितना मुझे चाहिए था इसमें वो मैंने डाल दिया है, ताकि हल्का सा पानी रहते डालो वो मसाले की जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छे से आपकी चटनी के अंदर आ जाता है। अभी हम इसको थोड़ा सा और कम करेंगे। बंगाली सब्जी हमेशा वहीं पर ही मिलती है जहाँ पर बंगाली लोग ज़्यादा रहती है, एक मार्केट हो वहाँ पर ज़्यादातर मिलती है। इसको और थोड़ा सा पका लेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिला दूँ ताकि इधर उधर, क्योंकि गुड़ है वो साइड में जलने लग जाएगा नहीं तो, इसलिए थोड़ा थोड़ा चलाना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट ये बन के तैयार ही है। इसको बस पलट पलट के थोड़ा सा मिक्स करना। स्मूदी ना हिला नहीं पा रही हूँ, जो गुड़ से ना वो चिपक रहा है बिल्कुल। अभी हमारा ये बन के तैयार है, क्योंकि ये गैस देखो अभी जैसे गैस बंद किया ना तो वो बबल था वो कम हो गया, इतना हमें चाहिए था क्योंकि बच्चे इतना ही पसंद करते हैं, इसलिए हमें इतना चाहिए था। सबके अपने अपने टेस्ट है, जिसको जैसे चाहिए होता है वो उसी हिसाब से आप रख सकते हो।
सच मानिए, कभी भी दिख जाए ना लेके घर जाइएगा और बना के खाइएगा ज़रूर। वो इतनी टेस्टी बनता है कि पूछो मत। हर चीज़ की जो खट्टी मीठी चटपटी अचार होता है ना वो है। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर।